मेरा नाम चंदनाराम, बाड़मेर से हूँ। आज पूज्य बापूजी की कृपा से जोधपुर शहर में मीडिया कॉन्फ्रेंस रखा गया था। पत्रकार सारे वहाँ पधारे थे और उनके मुख्य हमारे मेहमान थे धनंजय देसाई जी, जो हिंदू राष्ट्र नेता, हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और हमारे आसन की प्रवक्ता नीलम दुबे जी भी पधारे थे और बहुत अच्छा रहा ये कॉन्फ्रेंस बैठक। और इसमें पूरे जोधपुर का मीडिया पूरा सब, यहाँ तक कि चैनल्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ जो प्रिंट मीडिया, दोनों पर सब लोग पधारे थे और अच्छा रहा कार्यक्रम। और उसके बाद में उन्होंने जो प्रश्नोत्तरी भी किया हमारे वक्ताओं से, धनंजय देसाई जी से, बहुत अच्छा उनको उत्तर मिला। और धनंजय देसाई जी ने बताया कि हमारे इस हिंदू धर्म पे, हमारी भारतीय संस्कृति पे जो आघात हो रहा है, जो हमारी संस्कृति पे आघात हो रहा है, उसको बचाने का जो काम कर रहे हैं हमारे पूज्य बापूजी, उस बापूजी जो काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, इसीलिए बापूजी के ऊपर ये बार बार हमले किए जा रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। तो और मीडिया को भी बताया गया कि ऐसा हमारे हमारे ही जो समाज के लिए जो कंटक बनते हैं उसमें ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए, जो अच्छी न्यूज है वही छपें, ऐसे बाउंडर नहीं बनाना चाहिए। फिर वहीं पे सिंधु महल में वहाँ पे एक तुलसी पूजन कार्यक्रम रखा गया। तुलसी पूजन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक कि 500-700 लोगों ने तुलसी पूजन एक साथ में किया और सामूहिक रूप से किया और तुलसी की महत्ता समझी कि हमारे जीवन में तुलसी का क्या महत्व है। जो पूज्य बापूजी हमें बताते हैं, बापूजी बताते कि तुलसी का महत्व घर घर तक जाए और जन जन तक जाए, जो स्वास्थ्य वर्धक है, आध्यात्मिक को ऊंचे उठाने वाली है, हमारे वातावरण को शुद्ध करती है, ऐसी तुलसी को, जो अभी इतनी महामारी चल रही है उस महामारी बचने के लिए ये तुलसी एक बहुत टॉनिक है। और तुलसी पूजन कार्यक्रम के बाद में बहुत बड़ी विशाल कीर्तन यात्रा निकाली गई इस जोधपुर शहर में, जो पूरे साधक राजस्थान से भी, हर समिति से, अलग अलग समिति से भी भाग लेने की यहाँ पधारे, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आज इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो जीवा नहीं, कि उस जीवा से हम उस आनंद का प्रकट कर सकें और शब्दों से बोल सकें, ऐसा कोई शब्द भी नहीं है। क्योंकि बापू के दरबार में जो आ गया वो तो माला माल है, बापू के दरबार में आया उसका बेड़ा पार है। यहाँ आके जिसने भी अपनी झोली खाली लेके गया तो फिर कहीं भरने वाला नहीं। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। तो तुलसी जी का पूजन हुआ सामूहिक रूप में, बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। और तुलसी जी की जो महिमा है वो तो अनादि काल से है, लेकिन बीच में कुछ लुप्त जैसा हो गया था। तो अभी गुरु जी ने, पूज्य बापू जी ने ये अभियान चलाया है, तो ये तो घर घर ही पहुँचने वाला है, पूरे देश विदेश में घूमेगा। और इसके सिवाय दुनिया में कोई शरीर को मन को स्वस्थ करने का कोई साधन नहीं है। आदि व्याधि रूपादि तीन प्रकार के दोष है, तीनों को शुद्ध तुलसी जी में करने की सामर्थ्य है। तो आज जितने भी बापू जी के भक्त यहाँ आए हैं, बहुत ही उनका आनंद, उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, किसी के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। इतना प्रसन्नता कि बापू जी हमारे साथ में ही है, दूर है ही नहीं, ऐसा समय का अनुभव हो रहा है। और ये सदा के लिए रहेगा, ये साधक कभी निराश होने वाले नहीं है और ये अभियान भी रुकने वाला नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है, देश